सर, मिलिट्री और सेना और युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? उनके पास किस टाइप के हथियार होते हैं, कुछ जानकारी है आपको? सर, ज्यादा जानकारी तो नहीं है। हाँ, देखा भी है और सुना भी है। ये टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुना, टीवी के माध्यम से देखा है। उसमें ज्यादा कथा कथा तोपे हैं, बंदूकें हैं, हथगोले हैं, ये चीजें। सर, एक पुरानी फिल्म थी, वो है बॉर्डर करके, है वो देखी थी मैंने। उसके अंदर तोप के गोले थे और बहुत सारे हथियार थे, और ऐसा छोड़ा था बम बम करते से आवाज आ रही थी। बस वही मैंने देखी थी, बहुत पुरानी फिल्म थी वो। सर, मैंने तो जो हथियार बंदूकें ने यही देखी उनके पास। ठीक है सर, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप मिलिट्री के जो भविष्य के हथियार होंगे आने वाले समय के, अच्छा, वो देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है सर, दरअसल एक एनिमेशन है। एनिमेशन मतलब कार्टून की तरह इसको बनाया गया है, अच्छा, दर्शाने के लिए। अच्छा। और ये जो हथियार इसमें आप देखेंगे, ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक हथियार, यानी कि भविष्य में आने वाले हथियार बोलकर वीडियो बनाई गई है। ये असल में है या नहीं है इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में ऐसे हथियार आएंगे। तो आप इस वीडियो को सर देखें और उसके बाद अपना फीडबैक। क्या बात है सर, नई चीज कुछ आप दिखा रहे हैं, देखने में सुसर पड़ी है। क्या अब आप कई कई कार्टून के माध्यम से वो चीज भविष्य में सब बाकी में देखने को मन तो बहुत कर रही है। सर, मेरा मानना ये है कि आदमी पहले सोचता है और एक स्क्रेच बनाता है। बाकी इन्होंने भी ये वीडियो सोच के ही बनी होगी कुछ। क्या आगे ऐसा मानना है कि फिर आगे भविष्य में बन सकते हैं हथियार? फिर वो बिल्कुल बन सकते हैं, इसमें कोई जोर नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं हथियार। मैं आपकी भी बस सहमत हूँ भाई। क्या है, एक अभी तक ये सुनते आए कि जो अब तक सुना नहीं, पहले सुना नहीं, उन्होंने तो करके दिखा दिया। अब ये चीज़ स्केच कर रहा है तो वो चीज़ जब हकीकत में बनना ही बनना है। बस बिल्कुल सही बात है बाबू भाई। आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई, आगे चली गई, बनना ही बनना। सर, मैंने आपको पहले बताया मैंने कि मैंने मिलिट्री के बंदूकें तो नहीं देखी है, बाकी अब देखूंगा तो जानकारी मिलेगी थोड़ी और अच्छी भी लगेगी वीडियो। भैया राजू, मुझे को एक बात कहना भूल गया और मेरे को याद अब आ गया है। बचपन में जब हम छोटे छोटे थे ना, तो ये जो अपनी मोबाइल में बच गए ना, कभी इसके बारे में खाली अब मैंने सुना ही था कि क्या वो ऐसा मोबाइल आएगा, आदमी वहाँ बैठा होगा और अपन न्याया से उससे बात कर लेंगे। अब बचपन में, बचपन में होता है, अब उस टाइम खाली सोचा था, आज देख के वादी में हैरानी हो रही है। वो चीज अपने अपने खुद के हाथ में और आपने कहा है और अपन को काम बिल्कुल सही बात है बाबू। अब अगर ये चीजें जब बचपन में मजा पड़ा, आज देख के हैरानी हो, तो अब ये चीज इन्होंने जो बनाई है तो आगे जाके बने, वो भी बनना ही है, बिल्कुल बनना है क्या यार बाबू भाई? क्या बात है यार, बहुत बड़ा प्लेन है और हथियार जा रहे हैं क्या इसमें? हाँ यार। और हवा में ही खुल गया बाबू भाई। और ये क्या छोड़ेंगे क्या? ये रिमोट से चला रही है, देख लो हाथ में रिमोट है बाबू भाई। कमाल की यार, आपकी मिसाइल चल रही है। अरे लाइन से आ रही मिसाइल, बिल्कुल ले जो। ओहो, शिवा दबाई के कुछ नहीं भैया यार, शिवा दबाई के कुछ भी नहीं भैया। ओह बाप रे बाप, ये कौन सी गाड़ी है? ये टैंकर है, ये ये टैंकर है। हाँ, ये 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 टैंकर है। ओह वाह, ये कमाल था मतलब, है ना? हाँ। ओ ओ बात है यार। हाँ यार, ये
बहुत प्लानिंग से काम करा है इन्होंने वाकई में यार। शिवा गड़बड़ प्लानिंग क्यों नहीं करेंगे यार अमन भाई यार। ओ बाबू बोला दी पूरा वो देखना बाबू बोल रहे वो जब पे देख नहीं तो काम ना वो हां यार क्या बात है यार। ओहो दो मीटर से फेंकोगे तो इतना गड़ेगा। अच्छा और एक किलोमीटर से तीन किलोमीटर से ये बहुत दिमाग वाला का काम है भैया। वही सही बात है तीन किलोमीटर का सही है ना। पाँच किलोमीटर से पाँच भी सही है अरे गाड़ी दिख रही है इतने अदब से रखी यार पैराशूट जरूरी है बाबू भाई नहीं तो तू जाएगा वो नीचे भी कपड़ा भी वो पैराशूट भी खींच लिया हमने यार। क्या बात है अरे यार कमाल की चीज है। ओहो खेत भी खेत उग गया बाबू ओहो झाड़ियों में छुप गई है तो ताकि ऊपर से कोई देख नहीं सके कितनी ऊपर चले जाओ देखे कोई को भी नहीं दिखेगी। हाँ राजू भाई देखो दिख रही क्यों जरासिक नहीं दिख रही यार जरासिक भी नहीं दिख रही लग रही है कि वहाँ पे कुछ चीज रखा। ये देखो आप दिखिए पास करीब करके वो अपन को मालूम है कहाँ उन्होंने रखी तो अपन को दिख रही है और कोई के सामने उसको तो मालूम नहीं पड़े। यही तो प्लानिंग होती है युद्धों में ऐसी प्लानिंग होती है बाबू भाई। देखते अब क्या करता है ये देखो कितनी सारी गाड़ी है बहुत सारी गाड़ी है कम से कम होगी 50-60 तो और ज्यादा ही होगी मेरे अंदाजे से। हेलीकॉप्टर आ गया उसका कैमरा उसको दिखेगा ही नहीं वो कैमरे से जूम करके देखेगा तो दिखेगा भी नहीं के इसको कहाँ है हट गई खुल गई वो कमाल दिखाएगी उसका ऐसा भाई वाह यार चल रही है बहुत ही बढ़िया चीज है यार कमाल कर दिया बाबू भाई सब तबाह कर दिया भाई दोनों गोल घूम रही है गोल यार किसी इंसान की नजर नहीं पड़ी है वो ऐसे ऐसे छोड़ कर बन गया वो और देखो कितनी तबाही थी कितनी बहुत ज्यादा हाँ किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको छोड़ के भग गया ये बाबू भाई आगे आने वाली चीज अभी आई नहीं है। अरे अरे भाई ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो भी चीज अगर प्लानिंग हो गई है तो इसको बनने में देर भी नहीं लगी। ओ ये कहाँ जा रहा गाड़ी से कुछ गाड़ा है तो गाड़ा यार ये कुछ चीज गाड़ा है बम बम दर्शन दे दिया कैसे नहीं गाड़ दी डायरेक्शन नहीं दे दिया बाहरिया और के हट जाओ यहाँ से। हाँ कहते उसका भैया चौकीदार है वो। हाँ देखो गाड़ी गई और क्या खुला है अंदर से गाड़ के गए थे चुपचाप से उसको सुन में
इनका कुछ टारगेट लगा रहा है। ये क्या है कैमरा? वाह यार क्या कैमरा यार, वो किसी को तो लगे डंडा खड़ा हुआ है। अच्छा बाबू भाई, जो गाड़ी का नंबर उसमें डाला था उसी को निशाना बना के राजू भाई, वहीं पे निशाना लगा यार। यार बाकी बहुत गलत पीछे बने यार। हाँ यार श्रीमान जी वीडियो देखी, देख के साहब दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया साहब। ये जो भी चीज है और जो जिस देश ने भी इसके लिए दिमाग लगाया है वो वाकई में उसकी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन इंसानी जिंदगी जिसको देखते हुए जिस हिसाब से जिस दिमाग से ये खेल कर वाकई में बहुत ही सोचा साहब मैंने कि बिल्कुल इसमें निशाना चुकने वाले कोई बात ही नहीं है। जो नंबर हम डाला है और जिसके लिए डाला है वो निशाना उसको वहीं लगना, वो निशाना बिल्कुल अचूक है। बाकी मैं देख के बहुत तकलीफ हुई, हैरानी हुई, वो एक बार ये भी क्या कर ये चीज़ आ गई तो समझ लो कि इंसान तो कम और ये भोले बाबू जो ज़्यादा दिखेंगे और ये दुनिया जो इतनी दिखेगी ये दुनिया बाकी में आधी भी नहीं बचेगी। भाऊ वही की एक बात से मैं सहमत हूँ कि जो इन्होंने किया था मोबाइल पहले सोचते ही थे कि मतलब मोबाइल आएगा ही लोहे से मतलब बात कर सकते हो कितनी दूरी की। हाँ। वो सोचते ही थे और आज मुझे मालूम पड़ गया है कि जो ये चीज आपने दिखाई है ये भविष्य में कभी भी सच हो जाएगी। हाँ और होने ही है ये। सर मैंने पुलिस की बंदूक के अलावा कोई सी चीज ही नहीं, बंदूक के अलावा कोई सी चीज नहीं देखी, तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मेरे को सपने में देख रहा हूँ मैं इसको। सपने में देखा सपना मैंने, नहीं है ये हकीकत है। तो मेरे को ऐसा सपने में मैंने सिर्फ एक पुलिस की गन देखी और चौकीदार की गन देखी है। लेकिन ये जो जिस हिसाब में इन्होंने वो जाना फिर लेकिन देखो कैसे वो आया आपके नीचे गड़ा गड़ने के बाद फिर वो उसने उसका काम दिखाया वो एक मशीन हो रही अपना खुली पहले सूट ने खींच लिया झाड़ गंदे में छुपके छुपने उसके बाद फिर वो एक यानी क्या आया और उसने कार को नहीं से बनाया जैसे को कार आई बिल्कुल कार को नहीं किया ना। इतना अच्छा दिमाग और इतना अच्छा ये सब चीज़ तो ठीक है लेकिन और डर से भी इसी में मदद करें कि ये जिनने बनाया है और जिनने इसका वगैरह वो तो जीत में लेगा, लेकिन जो बेचारे वो है सही बात है। मेरे को इसमें एक चीज वो जमी कि जो उनने कार की नंबर प्लेट देखी और वही गाड़ी को निशाना लगाया, नहीं तो कोई दूसरा दुश्मन मर जाता, कोई बेकसूर इंसान मर जाता बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो चीज अच्छी लगी कि उनने मैं करा और वो जो कार थी उसी पे निशाना लगाया बाबू, तो उस पे ही लगा हो जाके आगे ये देखते बाकी में ये बताएगा दुनिया कहाँ थी कहाँ है और कहाँ पे जा सकती है। हाँ साहब ये वीडियो देखी और जिसको ये गाना जरूर सुना क्योंकि ये वीडियो देख के मेरे को ये गाना बहुत याद आया। ओ मेरे अंगने में तो